हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म? सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म मीन्स चुंबकत्व। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। किसी भी आकर्षण की प्रॉपर्टी, जिसमें आकर्षण की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब देखते हैं। लाइक पोल रिपल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की यही होती है, जो लाइक पोल्स होते हैं, जस्ट लाइक प्लस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये जो पोल्स होते हैं ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब दूर फेंकते हैं। एंड अनलाइक पोल जस्ट लाइक प्लस माइनस माइनस प्लस, ये पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही होती है। दूसरा होता है अट्रैक्शन। मैग्नेटिज्म में मैग्नेट में अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन, आकर्षण। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो उसकी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ मैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म इन एन मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन लिंक विद ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। जो मैग्नेटिज्म का फिनोमिना होता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को लिंक करता है। जब वो लिंक करता है उस मैग्नेट को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। उस फिनोमिना, प्रोडक्शन ऑफ फिनोमिना को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक इंडक्शंस। एंड फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच डेवलप फीबल मैग्नेटिज्म द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो फीबल मैग्नेटिज्म होते हैं, जिसमें वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कॉपर एंड लीड, दिस इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकंड इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच डेवलप फेवर मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म फील्ड। वो डायमैग्नेटिज्म वर्क करता है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की। एंड पैरामैग्नेटिक जो होता है वो वर्क करता है मैग्नेटिज्म फील्ड की डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में, ओके। जस्ट एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म एल्यूमिनियम एंड सोडियम। थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप करता है मैग्नेटिज्म फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म फील्ड। जस्ट लाइक आयरन कोबाल्ट, आपने देखा होगा आयरन पे हम मैग्नेट प्रेस करते हैं वो कितनी जल्दी से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट उस पर जाकर कितनी जल्दी चिपक जाती है। इसीलिए जो उसका बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।